20 मार्च अभी से ही लोग आने लग गए हैं भारी संख्या के अंदर, और ये कुछ संख्या का सवाल नहीं है, ये सवाल है एक मैसेज देने का। वो मैसेज है शांति का, सद्भावना का, भाईचारे का, अहिंसा का। जो पूरे मुल्क में जो पिछले 7 दिन से जो जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है। 15 लोग मर जाना यूपी के अंदर, ये क्या संदेश देता है देश को? जो सबसे बड़ा राज्य है देश का यूपी, 15 लोग मर गए, और अभी हम देखते टीवी के अंदर धमकाने वाले भारत काम नहीं आ रही है, प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, NSM बंद करेंगे, क्या क्या नहीं कहा जा रहा। ऐसे वक्त में जब आग लगी हुई हो तो पहले आग को शांत कैसे करें, आग को बुझाएं कैसे, उसके करने की बजाय जिस रूप में स्टेटमेंट आ रहे हैं, और हिंसा सिर्फ वहीं हो रही है जहां BJP शासित राज्य है। पुणे के अंदर, बम्बई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहां पे भी 1-1 लाख लोगों के जुलूस निकले हैं, कहीं हिंसा नहीं हुई है। तो आज प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूँगा, कृपा करके ये जो कुछ देश में हालात बन गए हैं, देशवासियों की भावनाओं को समझने का कोशिश करें। ये खाली माइनॉरिटी का सवाल नहीं है, ये जो मैसेज गया हुआ है मुस्लिमों के हिसाब से लोग सड़कों पर आ रहे बिल्कुल गलत है। हालात ये हैं कि छात्र चाहे वो कोई जाति कोई धर्म का हो, जामिया मिल्ला से शुरू हुआ, पूरे देश में फैल गया, क्योंकि ये जो कानून बनाए गए हैं ये खाली एक कौम को टारगेट नहीं होगा, इसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग तकलीफ पाएंगे। जैसे आपके नोटबंदी के वक्त में पूरे मुल्क में लाइनें लगी थी, 150 लोग मारे गए थे, तब भी मोदी जी घबरा गए थे, जैसे अभी घबराए हुए हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी भी, और सफ़ेद देते फिर रहे हैं। उस वक्त में भी मुझे याद है घबरा गए थे, और ये कहा था मुझे सिर्फ भाई और बहनों 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में सब ठीक कर दूंगा, वरना मैं चौराहे पे आके खड़ा हो जाऊंगा। आज हालात बहुत गंभीर बन गए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा उन लोगों की भावनाओं को समझें, इसको निरस्त करें, और ये विश्वास दिलाएं देश के लोगों को, अगर कोई अवैध शरणार्थी है, अवैध इमिग्रेट है, अवैध घुसपैठिए है, उस तक कार्रवाई सीमित करेंगे, उस पर किसी देश को चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है चाहे ईसाई है किसी को ऐतराज़ नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ये घोषणा करें जो अवैध घुसपैठिए देश में आ गए हैं उससे हमें चिंता है, हम उसको रोकना चाहते हैं, पूरा मुल्क उनके साथ रहेगा। उसकी बजाय आपने, क्योंकि आप आसाम में फेल हो गए, आसाम में 19 लाख लोगों का शरीर हो गया निकालने के लिए, मालूम पड़ा 19 लाख में 16 लाख हिंदू है। आज वहाँ पर कांग्रेस BJP तमाम लोगों ने क्यों उसको रोक दिया, क्यों वहाँ रिवोल्ट कर रहे हैं, क्यों वहाँ खिलाफत कर रहे हैं उसकी? इसलिए उसका तरीका निकाला गया आगे के लिए, ये देश समझ रहा है, ये देश समझ रहा है। आप आसाम में फेल हो गए जबकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही थी, तब भी फेल हो गए आप। जब आपको मालूम है आप फेल हो गए, तब भी अमित शाह जी पिछले 4 महीने से जो भाषा बोल रहे हैं, मैं पूरे मुल्क में लागू करके रहूँगा NRC। आप बताइए, आप और भड़काने वाला काम कर रहे हो। इसलिए आज लाइनों में पूरे मुल्क को लगाना है, उनके बाप दादाओं की हिस्ट्री पूछनी है, कागजात मांगने हैं, कितना पैसा खर्च होगा, कितनी रिश्वत दी गई होगी वहाँ पर आसाम के अंदर। आज आसाम के लोगों के बारे में जो अभी कमीशन बैठा था दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे जो आके लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा कि आज लोग अवसाद के अंदर है वहाँ पर आसाम के अंदर, लोग घबराए रहेगा। कितने दिन तक हमें लाइनों में लगे रहना पड़ा, 7-7 दिन तक हम सब काम छोड़ के कागजात को ढूंढने में लग गए, मिले नहीं। कल एक पत्रकार मिला जयपुर मुझे, 130 सालों की फैमिली वहाँ पर रह रही है, सौभाग्य से उसके बाद में 63 के कागजात मिल गए, वोटर लिस्ट में नाम मिल गया, वो बच गया, वरना उसका नाम भी उसमें आ जाता। ये जो उदाहरण सामने आ रहे हैं,
मैं चाहूंगा कि ये हमारा मार्च जो है शांति मार्च, ये पूरी तरह मौन जुलूस के रूप में होगा। कोई नारेबाजी नहीं होगी, सिर्फ तख्तियाँ होगी, उस पर लिखा होगा संदेश। उस संदेश को मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को पढ़ना चाहिए।